केजरीवाल का पर्दाफाश नंबर 3, वैक्सीनेशन पर फटा ढोल। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये कहावत केजरीवाल पर पूरी तरह से फिट बैठती है। जिस दिल्ली में पानी, बिजली और सड़क का सबसे बुरा हाल है, वो केजरीवाल वैक्सीन के मामले में लंबी चौड़ी डींग हांकते रहे। हमने आपको पानी और राशन का हाल दिखाया, अब जरा वैक्सीनेशन का भी हाल देख लीजिए। हम सब जानते हैं कि भारत ने पहली बार पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन केजरीवाल ने ढोल पीटना शुरू कर दिया कि अगर दिल्ली सरकार को मौका मिले तो वो 3-4 महीने के अंदर पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन कर देगी। जरा 18 मार्च का इनका ये बयान सुन लीजिए। आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि अब इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए और राज्य सरकारों को अपने तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। केजरीवाल ने दोबारा 11 अप्रैल को केंद्र सरकार से रेस्ट्रिक्शंस हटाने की मांग की, जरा ये बयान सुनिए। आपको ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के, हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा, हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। केजरीवाल की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनकी बात इसलिए भी मान ली क्योंकि हेल्थ राज्यों का ही विषय है। केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी सौंप दी, लेकिन 3 हफ्ते में ही केजरीवाल को अपने बड़बोलेपन का एहसास हो गया और आटे दाल का भाव पता चल गया। दिल्ली में ऑक्सीजन के मामले में पिटे हुए केजरीवाल नए बहाने बनाने लगे। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। केजरीवाल का जब वैक्सीनेशन देने का वादा नहीं चला तो उसने फिर नए आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। देखिए उसने 26 मई को क्या कहा। ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केजरीवाल वैक्सीनेशन पर चाहे जितनी बकैती करें, लेकिन सच ये है कि वो दिल्ली में बेसिक सुविधाओं को भी नहीं दे पाए हैं। वैक्सीन तो उनके लिए दूर की कौड़ी है।